जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सिरसा हरियाणा का एक शहर और इसी नाम के जिले का मुख्यालय है। सिरसा को उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थानों में से एक माना जाता है। दिल्ली से इसकी दूरी 263 किलोमीटर है। इस क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मेहंदिया चुनाव मैदान में है। यह 12 मई को छठे चरण का मतदान होगा, जिसके मद्देनजर हमारे प्रतिनिधि अमोल वज्जी ने प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मेहंदिया से मुलाकात कर उनकी चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी हासिल की, जो आज हम जनादेश के माध्यम से मूलनिवासी बहुजनों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ये खास मुलाकात। जय भीम जय मूलनिवासी, मैं अमोल वज्जी, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूँ। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 12 मई को कई जगह पर छठे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें भी चुनाव होने जा रहे हैं 12 तारीख को। उसी के मद्देनज़र हम सिरसा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आज है और सिरसा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी आज हमारे साथ है। हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे इनके चुनावी रणनीति के बारे में, इनके मुद्दों के बारे में, ये क्या सोचते हैं, ये सारी चर्चा आज हम इनसे करेंगे। डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका परिचय दीजिए। सबसे पहले मेरी तरफ से अपने महापुरुषों को नमन करते हुए जय भीम जय भारत। मैं अपनी तरफ से जो मेरा इंट्रोडक्शन यही है, पिछले लगभग 22 साल से सामाजिक और राजनीतिक जो लड़ाई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ की, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज की जो लड़ाई है अपने हक और अधिकारों के लिए, उस लड़ाई में जो है ना एज ए कार्यकर्ता, एज ए पदाधिकारी और एज ए टीम लीडर जो है ना पिछले 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत से मतलब जो है ना सामाजिक संगठनों में और जो है पॉलिटिकल संगठनों में जो है ना काम करने का जो है ना अनुभव मिला, मौका मिला, और जब भी मौका मिला तो बड़े जी जान से जो है ना अपनी ड्यूटी को पूरा किया। पीछे 2 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, अभी तीसरा इलेक्शन है मेरा ये। उससे पहले मैं एक इलेक्शन एमएलए का फाइट किया है और पिछला लोकसभा का जो है ना पिछले लोकसभा का इलेक्शन भी मैंने जो है ना हिसार से फाइट किया था। इस बार में तीसरा लोकसभा का इलेक्शन है ये, सिरसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि एससी की रिजर्व सीट है। और इस सीट की जो विशेषता है, ये हरियाणा की ज्योग्राफिकली सबसे बड़ी सीट है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र की रेंज 250 किलोमीटर की नहीं है एक साइड की। इस लोकसभा का जो है ना विस्तार जो है 250 किलोमीटर का है, सबसे लंबा एरिया है। और सबसे लंबा एरिया होने के साथ साथ जो यहाँ की सबसे जो है ना बड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है यहाँ का, कि यहाँ मतलब जो है ना 3-4 तरह की संस्कृति देखने को मिलती है। जिस एरिया में हम बैठे हैं यहाँ पे जो है ना सिख बाहुल एरिया है, आपका कालांवाली है, अलाहाबाद है, रानिया है, ये तीनों के तीनों जो है ना सीटें जो है ना सिख बाहुल्य कम्युनिटी की आती हैं, जिसमें अलग अलग कास्ट ग्रुप हैं। उसी तरह मतलब अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फतेहाबाद में जाते हैं, तो दूसरी टाइप की जो है ना संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, कुछ राजस्थानी टच मिलेगा मतलब भट्टू और फतेहाबाद के साथ में। और थोड़ा और आगे जाएंगे नरवाना टोहाना में, वहाँ बिल्कुल पंजाबी जो है ना वो टच मिलेगा। तो मतलब बड़ा मतलब जो है ना कॉम्प्लेक्स सीट है। और अगर इसको डाटा के माध्यम से हम देखें तो लगभग 7 लाख वोटर हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और फतेहाबाद जिला जो है वो इसी विधानसभा में है जो कि पूरे हरियाणा की एससी एसटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है, नंबर 1 पॉपुलेशन में फतेहाबाद जिला है, वो भी इसी का पार्ट है। आप चुनाव में किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, आप मुद्दों पर ज़रा प्रकाश डालेंगे?
मैं थोड़ा सा जो है ना मुद्दों से पहले दो तीन लाइन ने जो इंट्रोडक्शन की थी उनको मैं ऐड करना चाहूँगा। इसमें परसों ही जो है ना भास्कर की एक न्यूज़ आई है कि भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कितने उम्मीदवार हैं, तो पूरे हरियाणा में डाटा दिया था उन्होंने, 4 ही उम्मीदवार PhD हैं, उनमें से एक जो है ना PPI पार्टी की तरफ से मेरा नाम भी, पूरे हरियाणा में 4 ही PhD होल्डर हैं और 2 तो मतलब सिरसा में ही हैं और 2 अदर उसमें हैं। और सिरसा में जो 20 के 20 जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें भी जो है ना PPI पार्टी का जो कैंडिडेट हुए हैं, तो एजुकेशन वाइज सबसे मतलब जो है ना बेस्ट रिपोर्ट है नंबर 1 पे। ये न्यूज़पेपर की मतलब यहाँ की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है, मतलब पर्सनल नहीं है। सेकेंडली ये है कि जितने भी यहाँ पे अभी कैंडिडेट खड़े हैं सभी कैंडिडेट का जो बायोडाटा देखने में मतलब लोग बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि भी पिछला जो सांसद था वो भी कभी लोगों के बीच में नहीं गया, उससे पिछला सांसद जो था वो भी कभी लोगों के बीच में नहीं गया, और यहाँ के जो जनता है वो यही चाह रही है कि कोई ऐसा मतलब आदमी बीच में आए जो यहाँ के आम लोगों के मुद्दों को लेकर के जो है संघर्ष करे। तो इस मामले में जो है ना PPI पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, अपनी टीम को अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो ये बात इसमें एडिशन थी। आप कौन से मुद्दों को लेकर समाज के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेंगे, वोट मांगेंगे? जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे यहाँ पे मतलब जो है ना सबसे पहले तो PPI पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय लेवल पे जो है घोषणा पत्र तैयार किया गया है, वो सारे के सारे मुद्दे जो है ना हम यहाँ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और एक सामूहिक टारगेट है उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमें संघर्ष करना है। इसके साथ साथ कुछ हमारे लोकल मुद्दे हैं जो कि इसी लोकसभा से जुड़े हुए हैं, उनको भी लेकर के हमने जो है ना अपना प्लान बनाया है, लोगों के बीच में गए हैं। उनमें जो विशेष बात मैं जो बताना चाहूँगा, आपकी इस चैनल के माध्यम से जो पूरे देश में जानी चाहिए, पूरे विश्व में जानी चाहिए, वो विशेष बात यह है कि यहाँ एक भाखड़ा नदी है और भाखड़ा नदी का जो मतलब वो गंदा पानी है वो यहाँ के गरीब लोगों को जो है ना उसमें इतनी बीमारियाँ पैदा कर दी हैं, ये UNO तक जाने वाला क्वेश्चन है, भारत सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के लोगों को जो है ना हेपेटाइटिस B और जिसको हम काला पीलिया कहते हैं उससे बहुत सारे लोगों की जो है ना मौत हो चुकी है, बहुत सारे परिवार जो है ना उससे ग्रस्त हैं, लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो हमने इस मुद्दे को शामिल किया है कि भाई जो भी सॉरी भाखड़ा नहीं घग्गर की वजह से, और जो भी मतलब इससे परिवार जिसके परिवार की डेथ हो चुकी है इस बीमारी से उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजे की हमने मांग रखी है, और जो परिवार ग्रस्त हैं अभी उनका फ्री इलाज कराया जाए और उनको 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, एक ये हमने स्पेशल मुद्दा उठाया है इसलिए। दूसरा जो हमने मुद्दा उठाया है, यहाँ आसपास के 200 किलोमीटर के एरिए में कहीं भी मेडिकल की अच्छी सुविधा नहीं है, तो इसलिए हमने एम्स स्तर के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो है ना सिरसा लोकसभा में इसकी मांग रखी है कि भी यहाँ पे लोगों को, क्योंकि जो घग्गर नदी के प्रदूषण की वजह से जो लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, जो उनकी मौत हो रही है, तो उनको बचाने के लिए जो है ना ये जरूरी है कि यहाँ पे एक विशेष स्तर का जो है ना या नेशनल लेवल का जो है ना कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट हो जिसके बेस पर उन लोगों को सुविधाएं मिल सके। इसके साथ साथ हमने मतलब जो है ना एक स्पेशल जो मांग है सिरसा फतेहबाद बुन्ना उकलाना नरवाना, ये पूरी मतलब जो है सिरसा लोकसभा पहुंच जाती है नरवाना तक, इसको रेल लाइन से जोड़ने की मांग रखी है ताकि लोगों को जो है ना रेल की सुविधा चंडीगढ़ के लिए मिले, कि तो अभी बसों में जाते हैं बहुत ज़्यादा किराया लगता है, सुविधा भी प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो रेल की सुविधा अगर यहाँ से सिरसा से नरवाना लिंक कर दी जाए तो चंडीगढ़ तक जो है ना ये लाइन पहुँच जाती है, तो ये भी एक मांग रखी है। दूसरी हमने मांग रखी है जो इसी लोकसभा का जो पार्ट है नरवाना और टोहाना जो बेल्ट है, रतिया नरवाना टोहाना की एक बेल्ट है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ती है, उस बेल्ट में हमने एक विश्वविद्यालय की मांग रखी है, यूनिवर्सिटी की मांग रखी है, क्योंकि वहाँ के खासकर जो लड़कियाँ हैं अगर वो हायर एजुकेशन लेना चाहें तो उस एरिए से लेकर के 100-150 किलोमीटर तक कहीं भी यूनिवर्सिटी नहीं है, देखिए हमने मांग रखी है स्पेशल यहाँ के लिए भाई उस एरिए में जो है ना यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि वहाँ के लोगों को जो है ना उच्च शिक्षा लेने का जो है ना मौका मिले। अगला मुद्दा हमने स्पेशल रखा है कि भाई इस एरिया में जो है ना रोजगार के स्पेशल जो है ना सिस्टम बनाए जाएं, सरकार ऐसा ध्यान दे कि रोजगार का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ मतलब इलाका है, पीछे भी 2014 में सरकार ने सर्वे करके कुछ पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया था पूरे देश में, और उनमें से 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे, तो उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो था ना ये आपका सिरसा भी उसी में से 100 में से एक है, तो इसका मतलब सरकार मानती है कि पिछड़ा हुआ है,
लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल निकल गए, केंद्र सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं दी कि जिससे इसका पिछड़ापन दूर हो। तो इसलिए ये भी एक मुद्दा है कि भाई जो पिछड़ा हुआ इलाका मानती है सरकार, तो उसके बेस पे इसका स्पेशल जो है ना एरिया घोषित करके यहाँ स्पेशल जो है ना बजट दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस तरह के जो है ना, साथ के साथ हमारा एक मुद्दा विशेष है, जो मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको, उनके जितने भी मतलब सरकार के जितने भी टेंडर हैं, वो सारे के सारे जो टेंडर हैं ना मनरेगा के से जोड़ दिए जाए, ताकि मनरेगा में जो 100 दिन की कंडीशन है और 100 दिन का रोज़गार भी नहीं मिलता, तो हमारे लोगों को जो खासकर मजदूर तबका है उनको 100 का नहीं फिर 300 दिन का रोज़गार मिलेगा अगर सरकारी टेंडरों से मनरेगा को जोड़ दिया जाए। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर के जो है एक स्पेशल अभियान है। साथ के साथ जो है ना अपने जो SC ST के बैकवर्ड के जो स्टूडेंट हैं, माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारा एक मुद्दा है 0 फीस का, कि हायर एजुकेशन में जो है ना उनसे किसी तरह की फ़ीस ना ली जाए, क्योंकि 0 फीस का एक रूल ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट करके और अपने युवाओं को बेनिफिट देने की जो बारी है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को सही सिस्टम से लागू किया जाए। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, वो बार बार बच्चों को परेशान करती है, उसके लिए भी जो है ना हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और इस इलेक्शन के माध्यम से जो है ना लोगों के बीच में ये संदेश लेकर के जा रहे हैं, ये अपील लेकर के जा रहे हैं कि वे सरकार के नीयत में जो खोट है उस खोट को देखते हुए आपने आने वाले इन चुनाव में जो है ना सरकार को मजा चखाना है और उनको जो है ना इन चुनाव में हरा करके उनको आईना दिखाना है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के सरकार में खोट है और जो सरकारें आती रही है देश में कांग्रेस या BJP की आती रही है और वो भी इस बार चुनाव में हर बार की तरह खड़ी है और वो भी यही मुद्दे लेकर खड़ी है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, जो आप मुद्दे बता रहे हैं इसी तरह के कई मुद्दे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किए हैं, तो इन पार्टियों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं 2-3 योजनाएं इनकी आपको बता सकता हूँ, उनका धरातल पर क्या सीन है। अभी जो है ना प्रधानमंत्री मोदी ने एक घोषणा करी थी कि भाई जो है ना फ्री इलाज होएगा, मैंने हिसार का डाटा लिया है, हिसार सिविल हॉस्पिटल का, हिसार सिविल हॉस्पिटल में इस घोषणा के बाद जितने लोगों ने बेनिफिट लिया है वो 95% जो है ना जनरल कास्ट के लोग हैं, ओनली 95%, 5% में दूसरा सारा ग्रुप है। यही हाल मेरे ख्याल से सभी जिलों का मिलेगा आपको, मतलब ये ऐसी योजना लेके आते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट बना करके उसको साइड में कर देते हैं, ऐसी टेक्निक होती है इनकी। तो ये जब तक इस तरह की टेक्निक लगाते रहेंगे, जैसे कांग्रेस के मुद्दे हैं, कांग्रेस भी ऐसे ही करती रही है, वो भी जैसे ही उन्होंने जो घोषणा की है कि हम इतने पैसे खाते में डाल देंगे, उसकी डेफिनेशन नहीं बताई अभी तक, वो कह रहे हैं कि हम BPL कार्ड को आधार मानेंगे। अगर आज आप सर्वे करेंगे किसी भी एरिया का, खासकर किसी भी ऐसी ग्रुप का आप सर्वे करेंगे किसी गांव में वार्ड में, जहां शेड्यूल कास्ट के जो परिवार रह रहे हैं, बैकवर्ड के जो परिवार रह रहे हैं, उनके तो 90% के तो BPL कार्ड ही नहीं है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए फिर वो किसको देंगे। मतलब 90% जिस कम्युनिटी के BPL कार्ड नहीं है तो वो बेनिफिट किसको देने जा रहे हैं। तो इस तरह मतलब बहुत सारी इनकी जो पॉलिसीज है उनमें बड़ी कमियाँ हैं, ये एक सिर्फ दिखावा है, लोगों को बरगलाने की एक टेक्निक है और इससे फालतू कुछ नहीं है। आप अपने चुनाव क्षेत्र सिरसा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटरों से एक ही अपील कर रहा हूँ, कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है जब भी प्रचार में जाता हूँ कि जी बड़े बड़े नेता खड़े हैं, तो उनको मैं अपील के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से ये समझाता हूँ कि भाई बड़ा इलेक्शन से पहले कोई नहीं होता, इलेक्शन के से पहले कोई भी बड़ा नहीं होता, बड़ा वही बनेगा जिसको आपका वोट मिलेगा। और जिस कितना ही बड़ा हो अगर आपने वोट नहीं दिए तो वो जो है ना चरखोने चित जाएगा और सबसे नीचे होगा, जिसको आप आशीर्वाद देंगे, जिसको आप वोट देंगे वही बड़ा होगा। तो मेरी तो अपील यही है सभी लोगों से, जितने भी वोटर्स हैं, कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हमने तो बल्कि एक नारा भी बना दिया है, फल खाओ, फल खिलाओ और फलों की टोकरी का बटन दबाओ। अपना जो यहाँ सिरसा लोकसभा में PPI पार्टी की तरफ से जो मेरे को जो है ना इलेक्शन लड़ने का जो मौका दिया है, इसमें चुनाव में जो है अपना EVM पे 11 नंबर पे अपना निशान है, तो 11 नंबर का 111 के नाम से हम कहते हैं और वही नारा बार बार सबके बीच में रखते हैं, फल खाओ, फल खिलाओ और फलों की टोकरी का बटन दबाओ। धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। तो डॉक्टर राजेश जी कह रहे हैं कि फल खाओ, फल खिलाओ और फलों की टोकरी का बटन दबाओ, ऐसा कहकर वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के वोटरों से। इसी तरीके की हम आपको खबरें
हरियाणा के अन्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र की खबरें आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNT न्यूज़ नेटवर्क। मैं अमोल वज्जी सिरसा से।